हाँ जी दोस्तों, एमएडी जॉब अलर्ट चैनल दे विच तुहाडा स्वागत है जी। मल्टीटास्किंग स्टाफ दीआं पोस्टां आ चुकियां ने, होर भी वख वख पोस्टां आ चुकियां ने जो कि रेगुलर पोस्टां अनाउंस कीतियां गईआं ने जी। की क्वालिफिकेशन है, किन्नी तनखाह दित्ती जाएगी, कित्थों ये पोस्टां अनाउंस कीतियां गईआं ने, पूरी डिटेल दे विच जानकारी लैके हाजिर हो चुके हैं इस वीडियो दे विच। इस वीडियो नूं पूरा ध्यान नाल अंत तक जरूर देखना, इस वीडियो दे अंत तक बने रहना जी, पूरी डिटेल दे विच जानकारी देवांगे। जेकर तुसीं साडे चैनल दे उत्ते पहली बार विजिट कर रहे हो, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करन दे नाल नाल बैल आइकन नूं भी प्रेस कर देवो, तां कि पंजाब स्टेट विच आउण वाली हर एक सरकारी नौकरी संबंधी जानकारी, प्राइवेट नौकरी संबंधी जानकारी, जां पंजाब दे विच कोई नवां अपडेट आउंदा है, नोटिफिकेशन आउंदा है, उस संबंधी जानकारी, जां पंजाब दे विच कोई भी कंपीटिटिव एग्जाम आउंदा है जी, उस संबंधी जानकारी तुहानू सब नू सब तो पहला मिल सके। साडा एक टैलीग्राम चैनल अते वट्सएप चैनल भी है जी, जिस दे लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाणगे, जिथे असी हर एक वीडियो दा लिंक प्लस पंजाब दे विच कोई रिजल्ट आउंदा है उसकी PDF फाइल, कोई नवां अपडेट आउंदा है, नोटिफिकेशन आउंदा है उसकी PDF फाइल, जां पंजाब दे विच कोई इहो जी भर्ती आउंदी है जिस नूं भरन दे लई तुहानूं एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत हुंदी है, उसकी PDF फाइल भी साडे टैलीग्राम चैनल अते वट्सएप चैनल दे उत्ते अपलोड करदे हां, जिथों तुसीं डाउनलोड करके देख सकदे हो ते पोस्टां दे लई अप्लाई कर सकदे हो जी। चलो आपां वीडियो शुरू करदे हां। सब तो पहला आप पोस्टां की जानकारी हासिल करते हैं, किहड़ियां किहड़ियां पोस्टां ने। सब तो पहली पोस्ट अनाउंस की गई है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, 19 पोस्टां ने जी, जिस दे विच जनरल दी 8, OBC दी 5, SC दी 3, ST दी 1 ते EWS दी 2 पोस्टां ने। पे मैट्रिक्स लैवल 1 दिता जाएगा, 18,000 तो 56,900 तनखा दी जाएगी। अगर तुसी 10वीं पास हो जां इस दे बराबर दी योग्यता है तो उम्र सीमा तुहाडे कोल 35 साल है जी, फॉर डायरैक्टर रिक्रूटमेंट के लिए रखी गई है जी, इस तो वध उम्र नहीं होनी चाहिए। लिमिट एंड असेंशियल क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल फॉर डायरैक्टर रिक्रूटमेंट ओनली जी। उस तो बाद परसनल असिस्टेंट की पोस्ट है, पोस्टों की गिनती 7 है जिसनों डिवाइड किया गया जी, 5 पोस्टा जनरल दियाँ, 1 OBC की, 1 SC की। पे मैट्रिक्स लैवल 6 दिता जाएगा, 35,400 तो 1,12,400 तनखा दी जाएगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन की गल करिए ग्रेजुएशन किसी मानता प्राप्त संस्था तो 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस होवे इन द लाइन आउट ऑफ विच 3 ईयर एज यूनियन स्टेनोग्राफर। 10वीं तुसी पास की होवे जी, जां इस दे बराबर की योग्यता फॉर कॉलेज कोर्स विद 7 ईयर टोटल एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच एटलीस्ट 4 ईयर इन द पोस्ट ऑफ यूनियन स्टेनोग्राफर। शॉर्ट एंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट तो टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तो एज लिमिट 35 साल तो घट हो जी। नैक्सट पोस्ट है जी सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट की पोस्ट है, पोस्टों की गिनती 1 है जो कि OBC रखी गई है जी। पे मैट्रिक्स लैवल 6 दिता जाएगा, 35,400 तो 1,12,400 रुपए तनखा दी जाएगी। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की गल करिए 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग किसी मानता प्राप्त इंस्टीट्यूट या संस्था तो जी, तो मिनीम 5 साल का एक्सपीरियंस होवे इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल प्रैपरेशन इंजीनियरिंग साइंस सब्जेक्ट्स एट पॉलीटेक्निक लैवल। ज डिप्लोमा किया हो जी इन सिनेमेटोग्राफी फिल्म प्रोडक्शन फ्रॉम FT2 और इक्वलेंट किसी मानता प्राप्त संस्था से 5 साल का एक्सपीरियंस होवे इन फिल्म प्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कनैक्टड विद TV फिल्म प्रोडक्शन, जां डिग्री की हो 35 साल का जो है एक्सपीरियंस, 35 साल की एज लिमिट रखी गई, इस तो वध उम्र नहीं होनी चाहिए, तो डिग्री होनी चाहिए थोड़ी इंजीनियरिंग दे विच किसी मानता प्राप्त संस्था तो, जो कि विद अ फ्लेयर फॉर क्रिएटिव राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशन। नैक्सट पोस्ट अनाउंस की गई हैगी जी अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट हैगी है, अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए जी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है जी ऑन डेपुटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन प्रैफर किया जाए जां ओपन सिलेक्शन। क्वालिफिकेशन की ग्रेजुएशन की हो 55% मार्क्स ना विद SAS क्वालिफाइड, जां पोस्ट ग्रेजुएशन की हो इन कमर्स अकाउंटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जां इकोनॉमिक्स विद SAS क्वालिफाइड। एक्सपीरियंस 8 साल का एक्सपीरियंस हो जी विद ग्रेड पे ऑफ 2800 ऑफ 6th CPC इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच 5 ईयर वुड बी हैंडलिंग अकाउंट से। प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, उम्र सीमा रखी गई है 45 साल। तो
नैक्सट है जी जूनियर सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट है, पोस्टा की गिनती एक रखी गई है तो पोस्ट 5100 तो लैके 1,70,500 रुपए तनखा दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की गल करिए फर्स्ट क्लास बी वी टैक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हो, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन इंजीनियरिंग ज इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी 3 साल का एक्सपीरियंस हो इन मेनटेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ पीसी सर्वर एंड कंप्यूटर पैरीफेरल्स, एक्सपीरियंस हो इन ट्रबल शूटिंग एंड मेनटेनेंस इन वायर्ड एंड वायरलैस नैटवर्किंग जी। जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो एज लिमिट की गल करिए 35 साल एज लिमिट रखी गई है जी। पोस्ट अनाउंस की गई ने जी एन नैशनल यानी कि NITRR जो कि नॉन टीचिंग वैकेंसी ने जी, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सैक्टर 26 चंडीगढ़ विखे पोस्ट अनाउंस की गई ने जी, जिस के लिए तुम पोस्टा दस चुके हैं। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है यानी कि तुम लास्ट डेट अपलाई करने के लिए रखी गई है जी 17 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक जी, जिस दे विच तुहानू दस दिए कि ऑनलाइन तुसी अप्लाई करना होगा जी, अते हार्ड कॉपी सबमिट करनी होंगे सर्टिफिकेट कि 24/11/2023 लास्ट डेट रखी गई है जी। एप्लीकेशन फीस है जी नॉन रिफंडेबल फीस है जी 750 रुपये फीस रखी गई है, कोई फीस नहीं है जी SC/ST परसन विद डिसबिलिटी के वूमेन कैंडीडेट्स के लिए। एज रिलैक्सेशन चैक कर सकते हो जी, अते जो प्रिंट आउट फिल्ड एप्लीकेशन अते इस दे नाल जरूरी दस्तावेज लगा के तुसी भेजने हैगे ने जी टू डीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITRR सैक्टर 26 चंडीगढ़ 160019 दे उत्ते जी। कुछ टर्म एंड कंडीशन चंगी तरह पढ़ के फिर ही तुसी इन पोस्टा के लिए अपलाई करना है। अज का लाइक शेयर करना ना भूलना क्योंकि असं बहुत मेहनत ना तुहाडे लई पोस्टा लभ के लैके आउणे आ, जानकारी लभ के लैके आउणे आ, उस तो बाद वीडियो बनाउणे, वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलना जी। हुण मिलदे नवीं पोस्टां दे नाल नवीं वीडियो दे नाल, तद तक लई जी रब राखा।